नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा का समाज शास्त्र की टेस्ट सीरीज का पार्ट 5वां। इससे पहले 4 पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहाँ पर आपको उन 4 पार्टों की लिंक मिल जाएगी। जो है एक एक करके आप कंप्लीट करके पूरे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इनमें सभी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज का एक भी वीडियो मिस मत करिए, ताकि आपको संपूर्ण प्रश्न आप आसानी से हल कर सकें। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपका दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और दोस्तों, हमारी तरफ से जो है वीडियो रहता है वह हर दिन आप सुबह 6:30 बजे डाला जाएगा, तो आप मॉर्निंग में 6:30 बजे आकर आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी तरफ से नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देर ना करती है, बहुत यहाँ पर ज़्यादा बात ना करती है, डायरेक्ट अब चलते हैं क्वेश्चनों पर, ठीक है। इस वीडियो के क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको यहाँ पर देख रहे हैं तो सोशियोलॉजी का 5 पार्ट 5वां है। इससे पहले 4 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। हर इस टेस्ट सीरीज का हर पार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो का यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज के लेखक कौन है, ठीक है। दोस्तों, यह एक पुस्तक का नाम है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, यह एक पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है PM कोंडलिया, ऑप्शन बी एलन डी राज, ऑप्शन सी MS गोरे, ऑप्शन डी BK रामानुजम। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी MS गोरे, ठीक है। MS गोरे ने जो है पुस्तक है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, है पुस्तक के लेखक कौन है? MS गोरे हैं। तो दोस्तों, यह पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आप जरूर याद रखिए, जो भी यहाँ के पुस्तक या लेखक वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदर्शनात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की है? आदर्शनात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की है? ऑप्शन ए है ग्लिन्स एवं ग्लिन ने, ऑप्शन बी सेरो किंग ने, ऑप्शन सी है यहाँ पर आरब्रन ने, ऑप्शन डी मैकाइबर तथा पेज ने। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों, आदर्शनात्मक संस्कृति की जो चर्चा है वह की थी सेरो किंग ने की थी, ठीक है। सेरो किंग द्वारा इसकी चर्चा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, समाज शास्त्र में प्रस्तुति एवं भूमिका की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? समाजशास्त्र में प्रस्तुति एवं भूमिका की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो दोस्तों, किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने है, मार्टन, लिंटन, बेबर्स और बर्जर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? लिंटन ने यह जो समाजशास्त्र की प्रस्तुति भूमिका की अवधारणा प्रयोग सर्वप्रथम की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, गारो तथा खासी जनजाति में किस प्रकार की वंश परंपरा पाई जाती है? गारो तथा खासी जनजाति में किस प्रकार की वंश परंपरा पाई जाती है? मातृवंशीय, पितृवंशीय, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मातृवंशी जो परंपरा पाई जाती है, ठीक है, मातृवंशी परंपरा पाई जाती गारो एवं तथा खासी जनजाति में, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, 5वें नंबर का प्रश्न है, वेबस्टर मार्क के अनुसार विवाह का आदि स्वरूप क्या है? वेबस्टर मार्क के अनुसार विवाह का आदि स्वरूप क्या है? एक विवाह, बहुपत्नी विवाह,
बहुपति विवाह या समूह विवाह है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक विवाह। वेस्टर मार्ग के अनुसार विवाह का आदि स्वरूप केवल एक विवाह है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया है। आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया है, ऑप्शन देख लीजिए आप, मैक्स मूलर, टायलर्स, बेबर्स या फिर दुर्गिन। दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि टायलर ने दिया है। ठीक है, आत्मवाद का जो ये सिद्धांत है भाई किसके द्वारा दिया गया है, टायलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अरुणटा जनजाति का अध्ययन किसने किया था। अरुणटा जनजाति का अध्ययन किसने किया था, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी टायलर्स, ऑप्शन डी दुर्गिन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनका जो अध्ययन है यह दुर्गिन ने किया था। ठीक है, दुर्खीम, ठीक है, इनका नाम है दुर्खीम। दुर्खीम जो एक ना वैज्ञानिक थे दोस्तों, या फिर आप कह सकते वैज्ञानिक, ने अरुणटा जनजाति का अध्ययन किया था। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, जब एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं और वे आपस में भाई होते हैं तो ऐसे विवाह को कहते हैं, ऐसे विवाह को क्या कहते हैं। ऑप्शन अभाद्रतक बहुपति विवाह, आभ्रातक बहुपति विवाह, अनुलोम बहु विवाह और बहि विवाह। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भ्रातक बहुपति विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, देख लीजिए इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब एक उच्च जाति का लड़का अपने से निम्न जाति के समूह की लड़की से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं, ऐसे विवाह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बहिर्विवाह, ऑप्शन बी प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन सी अनुलोम विवाह, ऑप्शन डी अंत विवाह। दोस्तों इसका सही आंसर है आप बताइए दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए हर, क्योंकि दोस्तों कमेंट आप लोग करते नहीं है। प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि आप हर वीडियो में कमेंट करिए कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगा, कौन सा, यदि कुछ इसमें गलती भी होती हो तो आप इसकी गलती भी ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपको बता दें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अनुलोम विवाह। ठीक है, जब उच्च जाति का लड़का किसी निम्न जाति लड़की के साथ शादी करता है तो उस शादी को कहा जाता है अनुलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर दो युग्म दिए गए, इनमें से कौन सा एक गलत है। ऑप्शन ए है हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1866, हिंदू स्त्री का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1927 या पर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। तो दोस्तों इसमें से कौन सा है जो कि गलत है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है यानी कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 यह पूरी तरह से गलत है, यह सही नहीं, बाकी यह सभी सही है। यानी कि जो हिंदू हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम यह 1866 में लागू किया गया था और हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937 में लागू किया गया था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1927 में लागू किया गया था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू नहीं किया गया था, इसलिए यह गलत है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, जी एस धुर्रे ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। जी एस धुर्रे ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो इन्होंने 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, 6 विशेषताओं का उल्लेख किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अब देख लीजिए इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेशे और केवल पेशा ही भारतवर्ष
में जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका कथन है? पेशा और केवल पेशा ही भारतवर्ष में जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फोकार्ट एवं सेनाल्ट का, ऑप्शन बी अबे दुवाथस का, ऑप्शन सी है नेसफील्ड का, ऑप्शन डी हटन्स का। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेसफील्ड का। ठीक है, यह कथन किसका है? नेसफील्ड का यह कथन है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर एकांकी परिवार बना होता है पति पत्नी और अपने विवाहित बच्चों से, अविवाहित बच्चे से, विवाहित पुत्र एवं अविवाहित पुत्री से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह एकांकी जो परिवार होता है यह अविवाहित बच्चों से होता है। ठीक है, यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे जिनकी शादी नहीं हो वह एकांकी परिवार कहलाता है। ठीक है, यदि बच्चे की शादी हो जाती है तो वह एकांकी परिवार नहीं माना जाता। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित में से लेखक और उनकी पुस्तक से जो संबंधित युग्म है, यानी कि दोस्तों कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक यहाँ पर लिखी है, आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है दोस्तों, जो है क्वेश्चन रहेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको करके बताएं, मैं इसका सही आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, यह दोस्तों पुस्तकें हैं, इनका सही जोड़ी मिलाकर आप मुझे बताएं। यदि आप पर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको मैं इसको सॉल्यूशन भी बता सकूँ। ऐसा इसका सॉल्यूशन हम नहीं बताने वाले। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यदि आप कमेंट बॉक्स करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कर दीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो कि यहाँ पर ये पुस्तकें हैं दोस्तों यह किसने लिखी है, कौन सी पुस्तक, इसके हिसाब से दोस्तों यह बाकी की सभी यहाँ पर गलत हैं। केवल यहाँ पर डी आंसर इसका सही रहेगा, यानी कि आर के मार्टन है, इन्होंने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर्स लिखी है, बाकी जो यहाँ पर लेखक है इन्होंने यह पुस्तकें नहीं लिखी है। ठीक है, केवल इसका आंसर रहेगा डी आंसर इनका सही रहेगा। क्या आर के मार्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर्स पुस्तक लिखी है, बाकी इन लोगों ने यह पुस्तक नहीं लिखी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी दोस्तों आप इनके कमेंट बॉक्स में आप मुझे करके ज़रूर बताएं कि इनका क्या आंसर आएगा, इनकी पुस्तकों के क्या नाम है, या फिर इन जो पुस्तकें यहाँ पर दी हैं इनके लेखक कौन है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को पुकारते हैं, संयुक्त जो हिंदू परिवार में मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास जजमान, ऑप्शन बी परिजन, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी है कर्ता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उन्हें कहा जाता है कर्ता कहा जाता है, जो हिंदू परिवार के मुखिया होते हैं उसे कत्रा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कारात्मक विवाह है, निम्नलिखित में से एक कौन सा संस्कारात्मक विवाह है? ऑप्शन ए मुस्लिम विवाह है, ईसाई विवाह है, हिंदू विवाह या प्रेम विवाह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिंदू विवाह। एक हिंदू विवाह ऐसा है जो कि एक संस्कारात्मक विवाह है, बाकी का कोई भी विवाह यहाँ पर संस्कारात्मक विवाह नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह डिजो का उदाहरण है, डिजो का उदाहरण कौन सा समूह है इनमें से? ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, या क्षत्रिय वैश्य या शूद्र। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि चारों वर्णों की दृष्टि गुण तथा कर्म के आधार पर हुई है? किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि चारों वर्ण जो हैं उनकी यहाँ पर गुण तथा कर्म के आधार पर हुई है, जो यानी कि सृष्टि हुई है, जो गुण तथा कर्म के आधार पर हुई है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है?
ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी यहाँ पर मनुस्मृति। दोस्तों यह किस में लिखा है? तो दोस्तों यह लिखा है कहाँ, गीता में लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि हिंदू हिंदुओं की या फिर हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है गीता भगवत, ठीक है। यह गीता में लिखा हुआ है कि जो चार वर्ण है उसकी सृष्टि जो है वह गुण तथा कर्म के आधार पर की गई है। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर, मनुस्मृति के अनुसार समान धर्म के लक्षण हैं, मनुस्मृति के अनुसार समान धर्म के लक्षण कितने, 7, 8, 10 या 12। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण जो हैं वह 12 लक्षण हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का लक्षण है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का लक्षण है, अलौकिक शक्ति में विश्वास, पवित्रता की धारणा, पूजा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि धर्म का जो लक्षण होता है उसमें अगौल्य शक्तियां पर विश्वास भी होता है, पवित्रता भी होती है और उसमें पूजा भी होती है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अगला नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आपको बिल्कुल तुरंत मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।